अस्सलाम वालेकुम ईश्वरदा अली, वेलकम टू साइकिक लर्नर्स एकेडमी बाय बिया बलोच। वी आर डिस्कसिंग ओवर कोर्स डील विद स्ट्रेस एट वर्क एंड पर्सनल लाइफ थ्रू द साइलेंट स्किल्स। इट्स डे 4। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बात करना लिसनिंग से, ठीक है, लिसनिंग टू कम्युनिकेट। तो जो गुड कम्युनिकेशन होती है वो इंटरेक्टिव होती है, ठीक है। यानी कि गुड कम्युनिकेशन तब होती है जब दोनों लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, ठीक है, तो उसे हम एक गुड कम्युनिकेशन कह सकते हैं। और लिसनिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है गुड कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी दूसरे को सुनना। तो वो गुड कम्युनिकेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी एक्सचेंज करने में, आपके जो है वो कम्युनिकेशन करने में, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जैसे कि हमने बात की थी कि वो एक सॉर्ट ऑफ स्किल है, यानी कि वो बहुत डिमांडेड स्किल है, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारी लिसनिंग की स्किल, जो हमारी कम्युनिकेशन की स्किल है, वो भी जो है वो सॉर्ट ऑफ स्किल है, यानी कि बहुत सारे हाईली डिमांडेड स्किल है, ठीक है। और जो एम्प्लॉयर्स, जो कंपनीज हैं, वो अपने एम्प्लॉयर्स को चाहती हैं कि उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो, ठीक है। तो इस चीज में बिल्कुल भी हम जो है वो सरप्राइज होने की बात नहीं है, क्योंकि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है और जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे मिलकर काम करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम दूसरों के साथ बात करते हैं, ठीक है, हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज लेते हैं और फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज आ गई, आपकी कम्युनिकेशन भी आ गई। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कम्युनिकेशन के साथ मिलकर काम करती है, ठीक है। तो अब एक गुड लिसनिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है। काफी सारे जो लोग हैं वो ये अज्यूम करते हैं कि गुड कम्युनिकेशन प्राइमरली कॉन्फिडेंट होना है, कि जो पर्सन कॉन्फिडेंटली बोल रहा है तो दैट्स मीन कि वो एक गुड कम्युनिकेटर है, ठीक है, वो एक आर्टिकुलेट स्पीकर है। आर्टिकुलेट स्पीकर होता है कि वो अपनी, यानी कि एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल आप अपनी बात करें, ठीक है। तो जब हम लोग क्लास में होते हैं तो हमारे में से अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश सही से बोल रहा है, ठीक है, फ्लुएंटली बोल रहा है और कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, तो हम कहेंगे कि वो एक गुड कम्युनिकेटर है, ठीक। तो हमारे लिए गुड कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है, कॉन्फिडेंट होना, आर्टिकुलेट स्पीकर होना, यानी लैंग्वेज पर फुल फ्लुएंसी होना, आपका दूसरों तक जो है वो आइडियाज को कम्युनिकेट करना। बट ये सिर्फ एक इक्वेशन की एक पार्ट है, लिसनिंग इससे भी काफी क्रिटिकल फैक्टर है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए लिसनिंग भी एक क्रिटिकल फैक्टर है, ठीक है। हम समझते हैं कि कॉन्फिडेंट है और आर्टिकुलेट स्पीकर है, तो वो सिर्फ एक इक्वेशन का एक पार्ट है। उसका जो दूसरा पार्ट है और जो क्रिटिकल फैक्टर है वो लिसनिंग है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, जो हमें, जब हम बोलते हैं तो बोलने से पहले हमें सुनना पड़ता है और सुनना चाहिए, क्योंकि आप किसी के आइडियाज सुनोगे तभी आप उसके साथ बात कर सकोगे, ठीक है। जब तक आपसे कोई बात शुरू नहीं करेगा, आप भी बात शुरू नहीं करोगे, या आप जब तक बात शुरू नहीं करोगे आपसे भी कोई बात शुरू नहीं करेगा। तो पहले आपको सुनना होता है, फिर आपने बोलना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम सुने और फिर हम जो है वो बात करें कि और उस चीज पर रिस्पॉन्ड करें जो हमने बात सुनी है, ठीक है। जो बात हमने सुनी है हम उस पर रिस्पॉन्ड करें, फिर हम मतलब बोलें। तो गुड कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि आप सुने और फिर आप बोलें, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि आप अटेंशन दो,
अपने ऑडियंस जो जिससे आप बात कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपका जो भी ऑडियंस है या जो भी जिससे भी आप बात कर रहे हो, तो आप उस पर अटेंशन दो। अटेंशन किस तरह दो कि उसके नॉन वर्बल जितने भी सिग्नल्स हैं, यानी कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके सारे जेस्चर्स हैं, उसको आप समझने की कोशिश करो। आप देखो कि उनके उसको समझो अच्छे तरीके से कि उसके आईएस किस तरह जो है वो रिसीव हो रहे हैं, वो क्या सोचने की कोशिश कर रहा है या वो क्या सोच रहा है। जब आप उस पर अटेंशन दोगे तो आपको पता चलेगा। क्या होता है जब हम सुनते हैं, ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की कि लिसनिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, और रिसर्चर गेरार्ट और बॉडी ने 2011 में सजेस्ट किया था कि 3 इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस होते हैं जब हम सुनते हैं। फॉर एग्जांपल उसने कहा, मतलब उन दोनों ने कहा कि जब हम सुनते हैं तो हमारे जो थिंकिंग प्रोसेसेस हैं वो एक दूसरे के साथ इंगेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ताकि जो हमने सुना है हम उसे समझें, उसे इंटरप्रेट करें, ठीक है, जो भी हमने सुना, और फिर वो जो हमारे थिंकिंग प्रोसेसेस हैं वो हमारे इमोशनल प्रोसेसेस को इंगेज करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा सेंसरी फीडबैक आता है। या तो हम एक्साइटमेंट के मूड में आ जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, या सैड हो जाते हैं, तो वो फिर जब इंटरप्रिटेशन हो जाती है, हमारे थिंकिंग प्रोसेसेस उस चीज को समझ लेते हैं, तो तब जो है वो एक सेंसरी फीडबैक जनरेट होती है और हम एक्साइटमेंट फील करते हैं, और या हम किसी चीज से मोटिवेट हो जाते हैं जब हम सुनते हैं। और जब हम बिहेवियर की तरफ आते हैं, जब अब हमने वो सारी चीज सुन ली और इमोशनली फीडबैक भी आ गया, तो अब हमारा एक बिहेवियर फीडबैक आएगा। अब हम उस स्पीकर की तरफ रिस्पॉन्ड करेंगे अपनी एक्टिविटीज के थ्रू, जैसे कि हम नोट्स लिखना शुरू कर देंगे, या हम कोई वर्बल या नॉन वर्बल फीडबैक देंगे उसे अपने बिहेवियर को शो करा के, ठीक है, तो वो हमारा बिहेवियर रिस्पॉन्स होगा। अब बात है कि हम बेटर लिसनर कैसे बन सकते हैं। अब एक अच्छा लिसनर होना इतना आसान नहीं है, ठीक है, जैसे कि सारा ग्रीन क्रेमिकल ने हमें ये रिमाइंड कराया कि जो मेन रीजन है इस चीज की कि हम मतलब गुड लिसनर होना मुश्किल है या गुड लिसनर किस तरह बन सकते हैं, तो इसकी जो मेन रीजंस हैं वो ये हैं कि हमारा जो माइंड है वो बहुत जल्दी जल्दी बहुत क्विक सोचता है, यानी अगर हम उसकी स्पीड की बात करें तो उसकी स्पीड सोचने की बहुत ज्यादा है। अगर हम अपने बोलने की बात करें तो हमारी जो बोलने की स्पीड है वो स्लो है, और हमारे माइंड के थिंकिंग की स्पीड बहुत हाई है एज कंपेयर टू के हम जो बोल रहे हैं, ठीक है। सो जब हम सुनते हैं, किसी भी बात को सुनते हैं, जब कोई बोल रहा है और हम उसे सुन रहे हैं, तो 120 वर्ड्स अ मिनट, मतलब एक मिनट में 120 वर्ड्स जो हैं वो जब हम सुनते हैं, तो हमारा जो बिजी ब्रेन है वो एक चार्जिंग फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, और फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब जो बात हमसे कोई कर रहा है, हम उससे हट जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम किसी और बात की तरफ चले जाते हैं, हम अपनी किसी प्रीवियस या लास्ट नाइट हमने जिससे बात की हम वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं, या हम किसी और चीज को सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो भी इससे उस चीज से पहले हुई थी हम उस चीज को सोचना शुरू कर देते हैं। या जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं उससे आपने पहले जो है कभी आप मिले हो, और उससे आपकी जो प्रीवियस टॉक थी आप उसको याद करना शुरू कर देते हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इस प्रोसेस से अवेयर होना और अपने आप को ट्रेन करना कि आप दोबारा मतलब आप जो डिस्ट्रैक्ट हुए हो, यानी कोई बात कर रहा है डिस्ट्रैक्ट हुए हो,
उस डिस्ट्रैक्शन से दोबारा वापस आना और जो आपसे बात कर रहा है उसकी बात को सुनना, ये इस प्रोसेस से खुद को अवेयर करना और खुद को इसके लिए ट्रेन करना बहुत जरूरी है। और जब आप अपने माइंड को ये रियलाइज कराते हैं, ठीक है, आप जब अपने माइंड को ये बताते हैं कि वो इस डिस्ट्रैक्शन से हटे और दोबारा उधर आए और उस बात को सुने जो उससे कोई बात कर रहा है, तो जब आप इस चीज को हैंडल कर लेते हो, यानी कि आप अपने आप को मैनेज करना शुरू कर देते हो, आप अपनी ब्रेन की थॉट्स को, अपने जितने भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उन डिस्ट्रैक्शन के, उनको मैनेज करना शुरू कर देते हो, तो तब आप एक अच्छे लिसनर बन जाते हो, एक अच्छे लिसनर बनना शुरू हो जाते हो। ये माइंडफुलनेस की भी प्रैक्टिस है कि आप अपने माइंड को एक जगह डिस्ट्रैक्शन से बचा कर रखो, ये माइंडफुलनेस की भी प्रैक्टिस है और नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे भी, एक्सप्लोर भी करेंगे। आपने देखा होगा, यानी आपने ये फील भी किया होगा कि कितना इजीली आपका माइंड जो है वो चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जो आप कर रहे होते हैं आपका माइंड उससे बिल्कुल हट जाता है, या जब आप किसी को सुन रहे होते हैं तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आप ये एक्सरसाइज करो, ठीक है, और आप देखो कि आप क्या लर्न करते हो। और जब आप ये करो तो आप अपने माइंड में ये रखो कि आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जब भी कोई बात कर रहा है तो आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। और ये डिस्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है कि जब कोई बात करता है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये जो डिस्ट्रैक्शन का प्रोसेस है ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। ये आप मतलब आप ये ना समझो कि मतलब आप अगर इस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी चीज हो गई है या बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। अपने आप को टफ टाइम ना दो, ये प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस जितनी की जाएगी माइंडफुलनेस की तो आपको उतना फायदा होगा। ये एक नेचुरल चीज है कि जब भी आप कोई चीज, कोई भी काम कर रहे होते हो तो उससे आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि माइंड हमारे बोलने से, हमारे सुनने से ज्यादा स्पीड रखता है और वो ज्यादा जल्दी सोच लेता है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल चीज है, बट अपने आप को टफ टाइम ना दो। प्रैक्टिस करोगे माइंडफुलनेस तो जो है वो आप ये एक्सरसाइज कर पाओगे, आप एक बेटर लिसनर बन सकोगे। अब नाउ डेज अगर हम पैनडेमिक की बात करें तो इसमें लिसनिंग क्या थी, ठीक है। मतलब एक COVID-19 का क्राइसिस चल रहा था, उसमें दूसरों को सुनना, ठीक है, या किसी की प्रॉब्लम सुनना बहुत जरूरी था और डिफिकल्ट भी था, ठीक है, क्योंकि सोशल जो हमारा सोशल इंट्रैक्शन था वो बिल्कुल कम हो गया था। हमारे फ्रेंड्स और कुलीग्स के साथ जो हमारा नॉर्मल सोशल इंट्रैक्शन था वो बिल्कुल एक तरह से खत्म हो गया था, और वो ये जो टाइम था वो बहुत मुश्किल था, डिफिकल्ट था। मगर इससे हमारे अंदर कुछ फोकसेस भी आए हैं। अब वो फोकसेस किस तरह आए हैं? तो अगर हम बात करें कि जैसे COVID-19 में हम रिमोटली काम कर रहे थे, यानी कि हमारा कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, तो इसमें जो है वो हम लिसनिंग के और कम्युनिकेशन के तरीके ढूंढ रहे थे। तो वो कि हम खुद को सपोर्ट कर सके, दूसरों को सपोर्ट कर सके, तो वो एक क्रिटिकल चीज थी, उसमें काम करना बहुत क्रिटिकल था। माइकल एडॉर्नो ने आर्ग्यू किया कि जब वो वर्किंग रिमोटली जो है उसने उससे एक बेटर लिसनर बनाया और एक बेटर कम्युनिकेटर बनाया। क्यों? क्योंकि उसने नए तरीके देखे इम्प्लिसिट होने के, और उसने एक्स्ट्रा एफर्ट्स की अपने कोलीग्स से बात करने की, ठीक है। एक्सप्लिसिट हुआ वो, ज्यादा एक्सप्लिसिट हुआ, और उसने अपनी कोलीग साथ बात करने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा, मतलब जो माइकल एडोर्नो था उसके लिए जो मतलब
नॉन मतलब जो है हमारा फिजिकल कांटेक्ट नहीं था इस पैनडेमिक में, तो उसमें जो उससे उसने काम किया, उसने कहा कि उस काम ने उसे एक बेटर लिसनर भी बनाया और एक बेटर कम्युनिकेटर भी बनाया, क्योंकि उसने नए तरीके देखे ज्यादा क्लियर होने के, एक्सप्लिसिट होने के, यानी कि ज्यादा क्लियर होने के, ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के तरीके देखे, फाइंड उसे मिले, और उसने अपने नए कोलीग्स बनाने की भी एक्स्ट्रा एफर्ट की, उसे अपने नए कोलीग्स मिले, ठीक है, तो उसने उन उन चीजों के लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट की और वो ज्यादा एक्सप्लिसिट भी हुआ, तो उसके लिए जो रिमोटली काम करना था वो एक अच्छा साबित हुआ। पर बहुत से लोगों के लिए ये जो फिजिकल हमारा कांटेक्ट नहीं था उसमें काफी प्रॉब्लम इस तरह भी हुई कि वो कोई कांटेक्ट नहीं था या लिसनिंग या कम्युनिकेशन का कोई प्रोसेस नहीं था, जस्ट वो सोशल इंट्रैक्शन, सोशल मीडिया का इंट्रैक्शन था, तो लिसनिंग और कम्युनिकेशन में काफी इफेक्ट हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट हैज लिसनिंग गॉट टू डू विद रिसाइलेंस। अब हम अगर जैसे हम रिसाइलेंस पढ़े हैं तो इसमें अब लिसनिंग का क्या रोल है, ठीक है, तो जैसे हमने पहले बात की थी कि जो रिसाइलेंस है वो एक सोशल प्रोसेस है, और हम रिसाइलेंस होते हैं तब जब हम दूसरों के साथ कनेक्ट करते हैं, हम सपोर्ट लेते हैं अपनी स्ट्रेस में, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, ठीक है, जब हमें सपोर्ट की एक फीलिंग आती है अपने स्ट्रेस या स्ट्रेस में, तो हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, हम स्टक नहीं हो जाते। और हमने ये भी बात की थी कि प्रोटोटाइपिंग कन्वर्सेशंस में और गैदरिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जब हम लेते हैं और कन्वर्सेशंस की प्रोटोटाइपिंग करते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, प्रॉब्लम्स को रीफ्रेम कर पाते हैं और हम अपना न्यू वे भी ढूंढ लेते हैं। तो फाइनली लिसनिंग जो है वो पैसिव स्किल नहीं है, ठीक है, ये एक एक्टिव स्किल है, ये हमें जो है वो हमारे अंदर ओपननेस पैदा करती है, ठीक है, हमारा जो मतलब अगर हम कहें तो हमारा वर्ड क्रिएट करती है, हमारे अंदर ओपननेस हमें लर्न कराती है कि जितने भी चैलेंजेस आए हैं लाइफ में हम उन्हें ओपनली जो है वो एक्सेप्ट करें, ठीक है, या उनके सॉल्यूशंस को ओपनली ढूंढे। और यही हम जब अडैप्ट जब रिसाइलेंट माइंडसेट चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि जैसे हमने पहले बात की थी कि रिसाइलेंस होने के लिए अडैप्टेबल होना ही जरूरी है, तो आप जब ओपननेस आपके अंदर आएगी आप सिचुएशंस को अडैप्ट कर सकेंगे, ठीक है, तो उसके लिए एक लिसनिंग भी एक एक्टिव रोल प्ले करती है, वो भी एक एक्टिव स्किल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये टास्क है कि आपने एक्टिव मतलब मैंने आपको बताया कि लिसनिंग जो है वो एक एक्टिव स्किल है, तो आपने अपना सर्च इंजन यूज करना है और आपने कुछ आर्टिकल्स देखने हैं एक्टिव लिसनिंग के बारे में, और आपने मेरे साथ शेयर करना है कि क्या आपको उन आर्टिकल्स में मिला और आप किस तरह एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं, इन सब बातों में आपने क्या क्या जो है वो डिस्कवर किया, ये सब कुछ सर्च करके आप लोगों ने मुझसे शेयर करना। अब हम माइंडफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ केयर की बात करते हैं, तो माइंडफुलनेस जो है ना वो आपकी थॉट्स को स्टॉप करना नहीं है, ठीक है, आपकी थॉट्स के साथ चलने का नया तरीका फाइंड करना माइंडफुलनेस है, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले कुछ स्टेप्स में पढ़ा, हमने कुछ स्किल्स के बारे में बात की जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, जिसमें हमने लिसनिंग को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिया कि वो एक एक्टिव स्किल है, ठीक है, जैसे हमने लास्ट में बात की कि वो एक एक्टिव स्किल है, तो एक्टिव स्किल जैसे हमने लिसनिंग की बात की कि वो एक्टिव स्किल है, तो एक्टिव स्किल किस तरह है कि जब हम दूसरों के पर्सपेक्टिव सुनते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर ओपननेस आती है, ठीक है, हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह भी हो सकता है, ठीक है,
तो हमने बात की प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कम्युनिकेशन की, जिसमें हमने लिसनिंग की बात की, जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प आउट करते हैं, हमें पॉजिटिवली जो है वो रिस्पॉन्ड करने में हेल्प आउट करते हैं जब भी हम किसी डिफिकल्टी में को फेस करते हैं प्रोफेशनली या अपनी पर्सनल लाइफ में भी। तो अब नेक्स्ट स्टेप्स में हम देखते हैं कि हम रिसाइलेंस किस तरह मान सकते हैं अपना ख्याल रखते हुए, ठीक है, अपने आप को हेल्दी बनाकर, रेस्ट करके, फोकस्ड बनकर किस तरह हम जो है वो रिसाइलेंट बिल्ड अप कर सकते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि ज्यादा माइंडफुल होना और सेल्फ अवेयर अप्रोच, सेल्फ केयर अप्रोच का क्या मतलब है इन बिल्डिंग अप रिसाइलेंस। माइंडफुलनेस और एवरीडे लाइफ की बात करें तो लाइफ का फैक्ट है कि हम अपने आप को, जब भी हम किसी डिफिकल्टी में होते हैं, जब भी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम अपने आप को बहुत सारी डिफिकल्टीज में घिरा हुआ देखते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि हम बहुत बिजी हैं और हम अपने आप को स्ट्रेस्ड फील आउट करते हैं कि हम हर वक्त काम करते हैं, ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है, तो हम अपने आप को बिजी फील करते हैं और स्ट्रेस्ड फील करते हैं, ठीक है, सॉरी, स्ट्रेस्ड फील करते हैं। तो आपको पता है कि फिर आपको अपना अपना खुद का ख्याल रखना है, बट आप फिर भी अपने ऊपर अपॉर्चुनिटीज डालते, अपने आप पर अपॉर्चुनिटीज डालते रहते हो, ठीक है, जबकि आपको ये भी पता है कि आपको जो है वो खुद का ख्याल रखना है, ठीक है। और कभी ऐसा भी होता है कि आप रिलैक्सेशन के लिए अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज को पीछे रख देते हो, यानी कि फॉर एग्जांपल आज का काम था कुछ और वो आपने नहीं किया, ठीक है, आपने पीछे रख दिया कि आज मुझे रिलैक्स करना है, ठीक है, तो क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, और आपने वो अपनी अपॉर्चुनिटी जो है वो पीछे रख दी है, ठीक है। तो फिर जब आप ज्यादा बिजी होते हो, ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करते हो, तो आप इस तरह से जो है वो आप रिलैक्स होने की कोशिश करते हो। या जब आप कुछ लोग जब अपना उन्हें पता है कि उन्होंने खुद का ख्याल रखना है, तो वो अपने ऊपर रिलैक्स, अपने लिए रिलैक्सेशन के तरीके भी ढूंढते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो बिजी हैं, तो वो अपने लिए रिलैक्सेशन के तरीके ढूंढते हैं, ठीक है। जब आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस, आप इस थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट करोगे, अपनी बिजीनेस को, अपनी स्ट्रेस को एक्सेप्ट करोगे, या आप ये एक्सेप्ट करोगे कि आपको रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है, आपको नई इनर्जी चाहिए, आपको रियलाइजेशन होगी कि आपको अपना ख्याल रखना है, तो कभी कभार ये सब चीजें जो है एक ही दफा कोलैप्स कर जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लोग जब कहते हैं कि आप अपना ख्याल नहीं रखते हो, या फॉर एग्जाम्पल कहा कि आप इतने बिजी रहते हो, तो कभी कभार वो हमारे केयर के वर्ड्स भी हमें अपने ऊपर नेगेटिव लगते हैं, ठीक है, और वो हमारे लिए हमारा गिल्ट बन जाते हैं, हमारा हम जो है वो एक्शन की बजाय हमारे लिए वो हमारा गिल्ट बन जाते हैं, ठीक है। और हम फिर हमारे अंदर वो माइंडफुलनेस तो नहीं रही कि अब हम अपना ख्याल रखें, क्योंकि वो तो हमारी गिल्ट बन गई कि हम इतने बिजी हैं, तो या तो वो हम अपना काम छोड़ देंगे, ठीक है, हम बिजी नहीं रहेंगे, हम अपना वो काम छोड़ देंगे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने उस गिल्ट को पीछे करने के लिए। तो आपको ये सब चीजें एक्सेप्ट करनी है, ये थॉट प्रोसेस एक्सेप्ट करना है, अपनी स्ट्रेस को एक्सेप्ट करना है, और उसके साथ अपना ख्याल रखना है, अपने अपनी केयर करनी है, ठीक है। माइंडफुलनेस और सेल्फ केयर, माइंडफुलनेस एज सेल्फ केयर की बात करें तो माइंडफुलनेस में सेल्फ केयर टेक्निक्स आ जाती है,
ठीक है, जो हमें बताती है कि किस तरह हमने अपने थॉट प्रोसेसेस को मैनेज करना है। ये टेक्निक्स हमें बताती है किस तरह हमने अपने अपने आप का ख्याल रखना है, किस तरह हमारे माइंड में जो थॉट्स चल रही हैं उनका ख्याल रखना है, हमारी एवरीडे बिजनेस के साथ साथ हमने किस तरह अपना ख्याल रखना है। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस यहाँ पर एज अ सेल्फ केयर, जब आप ये सारी टेक्निक्स फॉलो करते हैं तो आप एवरीडे बिजनेस के साथ भी आप जो है वो अपना ख्याल रखते हैं टेक्निक्स को यूज करके। आजकल जो है वो माइंडफुलनेस को इस तरह भी प्रैक्टिस किया जाता है जैसे मेडिटेशन है। ठीक है, काफी सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं माइंडफुलनेस के बारे में के किस तरह माइंडफुलनेस काम करती है, किस तरह हमें हेल्प आउट करती है, इसके बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस भी हैं। ठीक है, तो अब हम जो मेन की मिसकंसेप्शन है उसको एड्रेस करते हैं। वो मिसकंसेप्शन क्या है कि माइंडफुलनेस हमारे थॉट्स को मतलब मिसकंसेप्शन ये है कि हम समझते हैं कि माइंडफुलनेस हमारी थॉट्स को रोक देती है और हमारी थॉट्स आती ही नहीं है और हम काम हो जाते हैं। ठीक है, तो माइंडफुलनेस एक्चुअली हमारी थॉट्स को स्टॉप नहीं करता, हमारे अंदर थॉटलेस काम जो है वैसी चीज लेकर आता है। ठीक है, जॉन कैबट-जिन ने, जो कि कंटेम्पररी माइंडफुलनेस मूवमेंट का फाउंडर है, उसने माइंडफुलनेस को इस तरह डिफाइन किया कि माइंडफुलनेस अवेयरनेस है। ठीक है, वो तब आती है जब आप अटेंशन देते हो। ठीक है, अटेंशन देते हो अपनी मर्जी से, मतलब जो आपका अभी प्रेजेंट मूवमेंट चल रहा है ना, उस पर जब आप अटेंशन देते हो तो वो होती है माइंडफुलनेस। अब नॉन जजमेंटली अगर आप अटेंशन दे रहे हो, नॉन जजमेंटली क्या होता है कि मतलब दूसरे लोगों से आर्ग्यू की बचने के लिए, या आपके जो थॉट्स चल रही हैं उन थॉट्स से बचने के लिए अगर आप अटेंशन दे रहे हो तो वो माइंडफुलनेस नहीं है। माइंडफुलनेस है आपका अटेंशन देना अपनी प्रेजेंट मोमेंट पर। ठीक है, आपकी मर्जी से, किसी आपके थॉट्स से बचने के लिए नहीं। यानी इन अदर वर्ड्स, इट्स अबाउट नोइंग व्हाट इज ऑन योर माइंड, आपके माइंड में क्या चल रहा है एक्चुअली में, ये फाइंड आउट करना माइंडफुलनेस है। तो इस व्यू के हिसाब से पेइंग अटेंशन यानी कि अटेंशन देना आपकी थॉट्स को अप्रोच करना है। ठीक है, इंटेंशंस, आपके बिहेवियर्स को क्रियोसिटी और जेनरोसिटी के साथ समझना। ठीक है, आपके अंदर क्रियोसिटी आ जाना कि इस चीज ये किस तरह हुआ। ठीक है, यानी कि इसने जो अपना व्यू दिया उसके हिसाब से अटेंशन देना, देने का मतलब है कि आप अपने थॉट्स को, अपनी इंटेंशंस को, अपने बिहेवियर्स को अप्रोच करते हो क्रियोसिटी के साथ, जेनरोसिटी के साथ। ये आपकी थॉट्स को स्टॉप नहीं करता, यहाँ कोई मैजिकल प्लेस नहीं है ऑफ नो थॉट्स। ठीक है, कि कोई थॉट ही नहीं आ रही, ये आपको बताता है कि किस तरह अपनी थॉट्स और फीलिंग्स और बॉडी सेंसेशंस को लेकर साथ चलना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। तो हम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस किस तरह करते हैं? माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में हम मतलब जब हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो वो इस तरह है कि हमें अपनी अपनी ब्रीथिंग की भी आवाज आती है। ठीक है, हम इतनी अटेंशन दे रहे हैं अपनी सेंसेशन पर कि हमें अपनी जो ब्रीथ है, हम जो ब्रीथिंग कर रहे हैं हमें उसकी भी आवाज आ रही है। हम देख रहे हैं कि कब हमारी जो बेली है वो राइज कर रही है, कब फॉल कर रही है, हम कब ब्रीथ आउट कर रहे हैं, हम कब ब्रीथ इन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इतनी अटेंशन पे करते हैं कि आपको अपनी सेंसेशंस का पता चल रहा होता है, अपनी रिदम्स का, अपनी ब्रीथिंग के रिदम्स का पता चल रहा होता है, तो वो होती है आपकी फोकस, वो होती है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें जैसे कबैट
कैबेट-ज़िन्न की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो उसमें उसने हमें ट्रेन किया कि हम किस तरह माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि हम अटेंशन देते हैं ऑन पर्पस इन द प्रेजेंट मूवमेंट। और उसने अपनी डेफिनेशन में ये भी ऐड किया था कि इन अ नॉन जजमेंटल वे, यानी कि अपनी थॉट्स से भागने के लिए नहीं। तो जब आपका माइंड जो है वो इधर उधर जाता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं और आपका माइंड जो है वो और थॉट्स की तरफ जा रहा है, ठीक है, और आपकी ब्रीथिंग आपको फील नहीं हो रही, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज है, हमारा ब्रेन वॉन्डर करता रहता है, ठीक है, ये एक अनअवॉइडेबल चीज है और आप माइंड इसी तरह काम करता है। तो आपने जस्ट इतना करना है कि आपने कोशिश करनी है आपके दोबारा आप अपने माइंड को उस जगह पर लेकर आओ, आप फोकस करो अपनी ब्रीथिंग के रिदम पर, ठीक है, आप फोकस करो अपने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट राइजिंग और फॉलिंग पर, ठीक है। तो इस ये एक्ट है कि आप अपनी अटेंशन दोबारा से उस पॉइंट ऑफ फोकस पर लेकर आओ, ठीक है। तो एक्चुअली में माइंडफुलनेस इसी चीज का एसेंस है कि जब आपका माइंड डाइवर्ट होने की कोशिश करे तो आप दोबारा अपनी अटेंशन जो है उसे वापस लेकर आओ। जब आप ग्रेजुअली इसकी प्रैक्टिस करोगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो आप अपने जो आपके माइंड में जो कमेंट्री चलती रहती है या जो चीजें आपके माइंड में थॉट्स चलती रहती हैं वो आप खत्म हो जाएंगी या वो आपसे दूर चली जाएंगी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स मेडिटेशन जो है वो आपको बताती है, या मेडिटेशन जब मतलब फॉर एग्जांपल टीचर्स जो हैं जब मेडिटेशन आपको कराते हैं या मेडिटेशन बताते हैं कि इस तरह करनी है, तो वो आपको कहते हैं कि यू आर नॉट विद योर थॉट्स, या यू आर नॉट योर थॉट्स, आप अपनी थॉट्स नहीं हो, यानी कि आपकी थॉट्स के अंदर जो बातें चल रही हैं आप वो नहीं हो, ठीक है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप इस चीज से थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है आपका कि जो है वो मतलब जो भी आपकी माइंड में थॉट्स चल रही होती हैं इधर उधर की, तो उन सब चीजों से आपका माइंड जो है वो हट जाता है, आप अटेंशन करना दोबारा से फोकस करना जान जाते हो, ठीक है। आप नेगेटिव नहीं रहते हो, आपके अंदर जो क्रिटिकल वॉइस चल रही होती है फिर आप उसे सुनना बंद कर देते हो, क्योंकि आपको पता है कि उन सब चीजों से माइंड हटाकर किस तरह आपने जो है वो अपने अपने ऊपर फोकस करना है और आप आपकी जो हाई एक्सपेक्टेशंस हैं आपने वो रखनी है, ठीक है। अगर अब हम माइंडफुलनेस को एक समरी ले लेते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर डैन सीगल जो है इसने माइंडफुलनेस नॉन जजमेंटल अप्रोच को सम अप किया विद एन एक्रोनिम कोल, कोल यानी के क्यूरियोसिटी ओपननेस एक्सेप्टेंस एंड लव, ठीक है, इस फॉर्म में उसने माइंडफुलनेस को सम अप किया। उसने कहा कि क्यूरियोसिटी का क्यूरियोसिटी यानी कि आप तब माइंडफुल बन सकते हैं जब आप डिस्कवर करना शुरू करें, ठीक है, आप अपने आप को अलाउ करें कि आप सरप्राइज हो, आप अपने आप को अलाउ करें कि आप चीजें डिस्कवर करें, ठीक है, आप ओपननेस अपने अंदर रखें, आप अपनी थिंकिंग में स्टक ना हो जाएं, ठीक है, आप अपनी थिंकिंग में जब स्टक हो जाएंगे तो आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, यानी कि जो आपकी थॉट्स में जो चीजें चल रही हैं जब आप उससे अपनी अटेंशन जो है वो हटा ही नहीं पा रहे हो तो आप माइंडफुलनेस कैसे प्रैक्टिस करोगे। तो आप अपनी थिंकिंग पर स्टक ना हो जाओ, ओपननेस को प्रैक्टिस करो, एक्सेप्टेंस को प्रैक्टिस करो, अपने आप को अपने अपने अराउंड जितनी भी चीजें हैं उनको ब्रेक दो, ठीक है, एक्सेप्ट करो। और जो लव है, लव कैन बी एन एवरीबडी इमोशन, ठीक है, और लव जो है वो रियल काइंडनेस शो करता है आपके अंदर भी, अगर आप में लव है तो आप अपने आप के लिए भी फील करोगे, अपने आप की केयर भी करोगे और दूसरों को भी काइंडनेस शो करोगे। सो हियर द एंड ऑफ डे 4, यहाँ पर आपका टास्क ये है
कि आपको जो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं माइंडफुलनेस की, ठीक है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस लेकर आपने 3 मिनट या 5 मिनट की मेडिटेशन करनी है, ठीक है। और जब आप करें तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए, करना है आपने मेरे साथ। और जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस कोई पहले से कर चुका है अपनी लाइफ में, उसने कभी किया है, तो वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और एक कोई भी एडिशनल टिप्स हो तो वो भी जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।